সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आजादी के आंदोलन का प्रतीक बनी और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आजादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं मैं इनको ये बताने आया हूँ कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर प्रणाम करता हूँ और सालों सालों तक उनका यह बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ।